जनरल अवेयरनेस एक फंडामेंटल राइट का मौलिक अधिकार का हमारा विषय है। मौलिक अधिकार के जो सामान्य उद्देश्य हैं वो क्या है, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना, छात्रों के आदर्श चरित्र का निर्माण करना, छात्रों में भावात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना, छात्रों को नागरिक कर्तव्यों से अवगत करना। आपने पहले फंडामेंटल राइट्स पढ़े ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, तो उसमें जो है जैसे हमारा मौलिक अधिकार है हमारे संविधान में क्या वर्णन किया गया है, जैसे भारत के राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया था, और हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, आरंभ में ये 7 मौलिक अधिकार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक किया गया है। जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए, लेकिन दिसंबर 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया और राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, और अब हमारे मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 7 से घटकर 6। ये जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है उनके बारे में विस्तृत रूप से हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले है हमारा टॉपिक है आज का मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और इनका वर्णन जो है वो अलग अलग भारतीय संविधान के अनुच्छेद अलग अलग में किया गया है। जैसे पहला हमारा मौलिक अधिकार है वो है क्या, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता का जो अधिकार है इसको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 से लेकर अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया है। अनुच्छेद 14 से लेकर जो 18 तक हमें अधिकार दिए गए हैं उनको हम समानता का अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 14 में कह दिया है, जैसे बात करें अनुच्छेद 14 जो है इसमें कहा गया है कानून के समक्ष समानता। अब कानून के समक्ष समानता से अभिप्राय क्या होता है कि कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता। ऑल द पीपल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान है, कानून किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करता। इसी तरह अनुच्छेद 15 जो है उसमें वर्णन किया गया है भेदभाव की मनाही। अनुच्छेद 15 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 उसमें भेदभाव की मनाही की गई है, अर्थात राज्य सरकार या कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। मींस कि भेदभाव से हमारा अभिप्राय है जन्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, भाषा के आधार पर भेदभाव इत्यादि से। जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल है जैसे कुएं, तालाब, नल, पार्क, जंगल, यहाँ पर होटल, सिनेमा घर, यहाँ पर किसी भी धर्म से संबंधित, किसी भी जाति से संबंधित लोग जो हैं, वो आ जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ जो है वो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। भेदभाव की मनाही जो है अगर कोई व्यक्ति करेगा तो उसको कानून के अनुसार जो है वो दंड दिया जाए। इसी तरह अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 16 में वर्णन किया गया है अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी, कि राज्य के अधीन जितने भी पद हैं उन पदों पर
कोई भी व्यक्ति जो है वो आवेदन कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड क्यों ना हो। राज्य के अधीन इन पदों को जो है वो धर्म जाति आदि के आधार पर जो है वो उनको प्रेफर नहीं किया जाता या उनको प्राथमिकता जो है वो नहीं दी जाती है। राइट टू अपॉर्चुनिटी सभी लोगों के लिए, भारत के सभी नागरिकों को जो है वो इक्वली प्रोवाइड की गई। इसी तरह अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की समाप्ति, की अस्पृश्यता मीन छुआछूत की समाप्ति, कि छुआछूत को जो है वो हमारे देश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक जो है वो दूसरे व्यक्तियों के साथ अछूतों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो उसको कानून के अनुसार जो है वो दंड दिया जाएगा। इसी तरह अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों की समाप्ति की गई। उपाधियों की समाप्ति से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति जो है सिर्फ केवल मात्र सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई भी उपाधि नहीं दी जा सकती। सैनिक और शिक्षा को छोड़कर हमारे देश भारत में किसी भी प्रकार की और उपाधि नहीं दी जा सकती है। भारत का कोई भी नागरिक जो है वो विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक और राज्य के अधीन लाभकारी पद पर आसीन व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना जो है वो उपाधियों को ग्रहण नहीं कर सकता है। इन सब का वर्णन जो है वो किसमें किया गया, समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18। यह हमारा था पहला आपका फंडामेंटल राइट्स, पहला था मौलिक अधिकार। दूसरा हमारा मौलिक अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन कहां पर किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक किया है। मींस कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो हमें स्वतंत्रता दी गई है, जो अधिकार हमें दिए गए हैं वो स्वतंत्रता का अधिकार है। ये दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है। अब स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन भी जो है वो अलग अलग रूप से किया गया है, जैसे भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता। भारत के का कोई भी नागरिक जो है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को गाली गलौज नहीं कर सकता, न्यायालय का अपमान नहीं कर सकता, इसके ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगाए। इसी तरह शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, यह भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसी में वर्णन किया गया है कि भारत के नागरिक जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट करने, भाषण देने की अगर स्वतंत्रता का कोई भी औचित्य नहीं रहता, अगर भारतीय नागरिकों को संघ बनाने या इकट्ठा होने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में ही इसका वर्णन किया गया, राइट टू लिबर्टी की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि भारतीय नागरिक शस्त्रों के बिना शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह पर इकट्ठे होकर जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। इसी तरह संघ या समूह बनाने की स्वतंत्रता, यह भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में ही हमें अधिकार दिया गया है कि भारतीय नागरिक जो है अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए संघ बना सकते हैं, समूहों का निर्माण कर सकते हैं, ताकि वो अपनी समस्याओं का, अपने विचार जो है वो प्रकट कर सके और दूसरों के विचारों को जो है वो सुन सके। लेकिन हमारी इस स्वतंत्रता के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगर हमें संघ बनाने या जो समूह बनाने का जो अधिकार है इससे राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सार्वजनिक शांति को अगर कोई खतरा पहुंचता है तो राज्य जो है वो हमारी इस स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। इसी तरह इसी अनुच्छेद में जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसी में समस्त भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी कोने में आ जा सकता है, घूम फिर सकता है, उसकी इस स्वतंत्रता के ऊपर जो है वो कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। इसके साथ देश के किसी भी कोने में निवास करने की स्वतंत्रता, मूवमेंट एंड सेटलमेंट, भारत का कोई भी नागरिक जो है वो देश के किसी भी कोने में मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट तो कर सकता है, साथ में ही इसी स्वतंत्रता में हमें ये अधिकार दिया गया है कि वो देश के किसी भी कोने में रह सकता है, अपना निवास स्थान जो है वो बना सकता है।
इसी तरह ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, इसी अधिकार में हमें एक और स्वतंत्रता दी गई है, कोई रोजगार व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक जो है वो अपनी इच्छा से कोई भी रोजगार व्यवसाय ऑक्यूपेशन या व्यापार कर सकता है, लेकिन वो कानून की नजर में उचित होना चाहिए। कोई ऐसा अनुचित कार्य नहीं करेगा जो इलीगल होगा। ऐसा कार्य करने की, ऐसा व्यापार या व्यवसाय करने की स्वतंत्रता जो है वो प्रोवाइडर नहीं की गई। इसी तरह जो हमारा अनुच्छेद 20, हम 19 की बात कर रहे थे, अनुच्छेद जो 20 है हमारा, जो हमें अनुच्छेद 20 है उसमें हमें अधिकार दिए गए अपराधों के लिए अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा। अपराधों के लिए अपराध निर्णय संबंधी सुरक्षा, व्यक्ति को किसी ऐसे कानून का उल्लंघन करने पर दंडित नहीं किया जा सकता जो अपराध करते समय वो कानून लागू ही ना होता हो, ऐसी व्यवस्था जो है वो अनुच्छेद 20 में दी गई है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता। व्यक्ति ने कोई एक अपराध किया है उसको दंडित किया जाएगा केवल मात्र एक बार, लेकिन उसी अपराध के लिए उसको दोबारा से फिर दंडित नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराधी को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए भी विवश नहीं किया जा सकता। ये जो मैंने आपको बताया, ये थे आपके आर्टिकल 20 में इसकी व्यवस्था की गई है, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का ही अधिकार, ये स्वतंत्रता ही जो है वो प्रोवाइड की गई। इसी तरह अनुच्छेद 21 है, वो हमें व्यक्तिगत तथा जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में यह व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यक्ति को कानून के द्वारा स्थापित विधि के अतिरिक्त उसको जीने के अधिकार से, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता। इसी में एक और हमारा है, जैसे हमने आर्टिकल 20 पढ़ा, लेकिन एक और आर्टिकल है, वो क्या है, 21A जो आर्टिकल है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के पश्चात इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल 21A में यह व्यवस्था की गई है, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर दी चाइल्ड। जिन बच्चों की आयु 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक है, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो एजुकेशन है, उनको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। मीन्स कि माता पिता या अभिभावकों के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उनके बच्चे जो है वो 14 वर्ष की आयु तक जो है वो शिक्षा ग्रहण कर सके। ये व्यवस्था जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया गया था, 86 अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, उसमें आर्टिकल 21A जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। इसी तरह आर्टिकल 22 है, ये भी स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 22 जो है इसमें क्या व्यवस्था की गई है, कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा, कुछ अवस्थाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा। मीन्स कि किसी भी व्यक्ति को उसके उसका अपराध बताए बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता है। आर्टिकल 22 जो है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसका अपराध बताए बंदी नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात कि किसी व्यक्ति को अगर, अपराधी को अगर बंदी बनाया गया है को विदिन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर निकटवर्ती न्यायालय में पेश करना पड़ता है। और साथ में यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर 24 घंटे से अधिक समय तक उसको बंदी बनाए रखना है तो न्यायालय की परमिशन लेना जो है वो अनिवार्य होगा। यह था हमारा अनुच्छेद, माफ कीजिएगा, यह था हमारा मौलिक अधिकार 2, स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम जो तीसरा हमारा मौलिक अधिकार है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मौलिक अधिकार तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट्स है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 और 24 में इसकी व्यवस्था की गई है। अलग अलग जो है वो इसकी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल जो हमारा 23 और 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब 23 हमें ये बताता है कि मानवीय व्यापार तथा बलपूर्वक मजदूरी का निषेध। अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति,
भारत का कोई भी नागरिक जो है वो मानवीय व्यापार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति को व्यवसाय रोजगार और व्यापार की स्वतंत्रता है, लेकिन अनुच्छेद 23 हमें ये बोलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मानवीय व्यापार नहीं कर सकता। व्यापार कर सकता है लेकिन मानवीय व्यापार मनुष्य को नहीं बेच सकता, मानव का व्यापार नहीं कर सकता, और ना ही बलपूर्वक जो है वो दूसरे व्यक्ति से मजदूरी करवा सकता है। इसी तरह आर्टिकल 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें आर्टिकल 24 में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी नागरिक जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, मिल, माइंस, फैक्ट्री या खतरनाक कार्य में जो है वो नहीं लगा सकता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है वो कानूनानुसार कार्यवाही की जाएगी। अब ये था हमारा तीसरा अधिकार, अब हम चौथा अधिकार पढ़ने जाएंगे। चौथा अधिकार हमें क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-28 में की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो है वो हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जैसे अनुच्छेद 25 जो है उसमें व्यवस्था की गई है किसी भी धर्म को मानने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक जो है वो अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, अपनी इच्छा से पूजा पाठ अर्चना उपासना जो है वो कर सकता है। इसकी व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में की गई। इसी तरह आर्टिकल जो 26 है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता। भारतीय नागरिकों को अपने धर्म से संबंधित धार्मिक कार्यों का प्रबंध करने की जो है वो स्वतंत्रता प्रोवाइड की गई है। इसी तरह आर्टिकल 27 जो है वो हमें ये बताता है किसी विशेष धर्म के विकास के लिए कर देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी भारत का नागरिक जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए कर लेने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को विवश नहीं कर सकता। ये व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि वो धार्मिक कार्य के लिए कर टैक्स प्रोवाइड करे या दे, दान दे या ना दे। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 27 में इसका प्रोविजन किया गया है। इसी तरह वो आर्टिकल जो 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद 28 है उसमें ये व्यवस्था की गई है उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा में शामिल होने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 हमें बताता है कि किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। किसी भी सरकारी जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर बच्चों को कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऐसे निजी शिक्षण संस्थान या राज्य द्वारा स्वीकृत जो शिक्षण संस्थान है वहां पर जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन बच्चों को धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है लेकिन धार्मिक शिक्षा लेने के लिए किसी बच्चे को जो है वो विवश नहीं किया जा सकता, उनके माता पिता की जो है वो अनुमति लेना पड़ती है। यह था हमारा चौथा मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम पांचवें मौलिक अधिकार की बात करेंगे, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। पांचवा हमारा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार। शैक्षणिक अधिकार इसकी व्यवस्था जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 30 में की गई है। ये जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 है इसमें व्यवस्था की गई है कि नागरिकों को जो है वो सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार प्रोवाइड किया जाए। जैसे अनुच्छेद 29 में यह व्यवस्था की गई है कि भारत की भूमि या इसके किसी भाग पर निवास करने वाले नागरिक अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे देश में बहुत से अल्पसंख्यक लोग पाए जाते हैं, माइनोरिटीज पीपल पाए जाते हैं, वो लोग जो है वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी लिपि को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा, सरकारी शिक्षण संस्थाएं
जो इसी में ये व्यवस्था की गई है, सरकारी शिक्षण संस्थाएं या राज्य में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली जो संस्थाओं है, किसी नागरिक को धर्म या इसका अभिप्राय यह हुआ कि शैक्षणिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19, 29 और 30 में इसकी व्यवस्था की गई है। इसी तरह जो भी सरकारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वहां पर किसी बच्चे को प्रवेश देने से इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि आप किसी दूसरे धर्म, जाति या किसी अलग कम्युनिटी से जो है वो बिलोंग करते हैं, वहां पर बच्चों को जो है वो ये शिक्षा देना, सॉरी प्रवेश देना ही पड़ता है। अब ये था हमारा मौलिक अधिकार का जो पांचवा मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार। छठा है हमारा मौलिक अधिकार। कितने मौलिक अधिकार है हमारे? छह। अब देखिए इसमें हम बात कर रहे थे कि जब भारत का संविधान आरंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो वो जो बीच में से एक मौलिक अधिकार निकाल दिया था, पढ़ा ना हमने, यहाँ से सिक्वेंसली चल रहे हैं, 14 से लेकर 18 तक जो है समानता का अधिकार दिया गया, 19 से 22 तक आर्डर में चल रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, 23 से 24 तक जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और 29 और 30 में सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब आर्टिकल जो आपका 30 था वो था आपका राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी मीन संपत्ति का अधिकार। इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से 1978 में जो है हमने 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था, और इसके तहत हमने राइट टू प्रॉपर्टी जो था, संपत्ति का अधिकार जो था, उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। इस प्रकार हमारे मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 6 रह गई थी। और ये छठा जो हमारा अधिकार है इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसकी व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल किसमें की गई है? 32, आर्टिकल 32। अब इसमें क्या व्यवस्था की है? पहले जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं, पहले जो हमने ये 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ये जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये मौलिक अधिकार जो है वो बाकी के हमारे 5 मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। अगर व्यक्ति के इन 5 मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो छठा मौलिक अधिकार हमारा रक्षा कवच है, ये सेफ गार्ड है ये हमारा। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ हो तो व्यक्ति जो है अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधा ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है वो अपील कर सकता है, पिटीशन जो है वो वहां पर दर्ज कर सकता है, याचिका दर्ज कर सकता है। अगर व्यक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जाना चाहता, अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, तो वो इंडियन